अल मिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से नवंबर महीने में उमरा रवाना होने वाले आजमीन उमरा के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल राजिक मिस्बाही साहब और अल मिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मोहम्मद जावेद साहब ने उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम ज़रूरी अहकाम सिखाए हैं। आपको बता दूं, अल मिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस काफ़ी बेहतरीन है और वीकली इनके जरिए उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं। नवंबर 5, 13 और 23 के लिए पैकेज तैयार किए गए थे, जिसमें 5 नवंबर का ग्रुप रवाना हुआ है और 13 नवंबर का पैकेज फुल हो चुका है और 23 नवंबर के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप 23 नवंबर के पैकेज में उमरा रवाना होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। 95,000 रुपीज़ का यह डिलक्स उमरा पैकेज है, जिसमें आपको मक्का में 200 मीटर की दूरी पर और मदीना में 50 मीटर की दूरी पर होटल्स रहेंगी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। मक्का पहुंचते ही उमरा कराया जाएगा और इसके अलावा लोकल ज़ियारतें और हैदराबादी फूड, जिसमें काफ़ी बेहतरीन जायकेदार डिशेज आजमीन उमरा के लिए पेश किए जाते हैं और दीगर सहूलियात के साथ फ्री सर्विस में जुराना से एक उमरा, तैफ से एक उमरा और सुलह हुदैबिया से भी एक उमरा, यानी कुल 3 उमरा फ्री कराए जाएंगे और बदर शरीफ, बीर रोहा और वादी जिन के अलावा मदीना में स्पेशल 50 से ज़्यादा ज़ियारतें कराई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के ऑपोजिट जागीरदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अल मिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। जिस हाल में अल्लाह रखे, आफियत और सलामती के साथ रखे, ये सबसे अच्छी दुआ है, सबसे बेहतर। और पुराने पाक में ऐसी ही दुआओं का तज़किरा भी आया, इसीलिए दुआ मांगें तो बड़ी बड़ी मांगें। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह दुकान मुझे अता कर दे, दुकान मिल गई, पड़ोसी खराब मिल गया तो उसके हक में अलग दुआ करवा लेंगे क्या कि पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहा है, उसके हक में दुआ कर लें। आप कहें मौला जहाँ रख, रिस्क हलाल दे, सुकून और तमानियत दे, न मैं किसी को टेंशन दूँ, न कोई मुझे टेंशन दे, ये दुआ जामे कहलाता है। इसीलिए कुरान पाक की दुआएं हैं, एक दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अदाबन्ना। उलमा ने कहा सबसे जामे दुआ है दुनिया की भलाई अता फरमा, जितनी भलाइयाँ हो सकती है, बीवी की शक्ल की भलाई है वो अता कर दे, रिस्क हलाल की भलाई है वो अता कर दे, सेहत की भलाई है वो अता कर दे, सलामती की भलाई है वो अता कर दे, पड़ोसी की भलाई है वो अता कर दे, हर भलाई इसी दुआ के अंदर आ गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिर वफिल आखिरती हसना। इसलिए कि मोमिन की ज़िंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है, एक दुनिया की और एक आखिरत की। बंदे ने यह भी तलब कर ली कि मौला आखिरत में भी भलाई अता फरमा। आखिरत की भलाई क्या है? 50,000 साल का एक दिन किसी के ऊपर इतना पहाड़ जैसे गुजरेगा और किसी के ऊपर ऐसा होगा एक साल के बराबर गुजरेगा, किसी के ऊपर महीने बराबर गुजरेगा, किसी के ऊपर हफ्ते बराबर गुजरेगा, किसी के दिन पर एक दिन के बराबर गुजरेगा और किसी के लिए तो ऐसा है कि बिजली की तरह गुजर जाएगा और किसी के लिए ऐसा है कि पलक झपका गुजर गया 50,000 साल का। यह आखिरत की भलाई है, तो दुनिया की भलाई मांग ले, आखिरत की भलाई मांग। आखिरत की भलाई की भी 2 शक्लें हैं। एक बंदा, अल्लाह बंदे की आखिरत उस वक्त भली करता है कि उसके गुनाहों की सजा जहन्नम में डालकर फिर उसको जन्नत में दाखिल करता है। लेकिन इस दुआ में है कि मौला मुझे जहन्नम में जाने की जरूरत ही ना पड़े, मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा। यह आखिरत की भलाई। तो 3 चीजें मैंने आप तक पहुंचाई। सबसे पहले नीयत ठीक कर लेना, दूसरा अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना और तीसरा आप दुआ करें तो बहुत जामे अंदाज की दुआ करें। इनका सवाल है कि एक होता है उमरा अपने लिए करना और एक होता है दूसरे के नाम पर करना, कि अपने मरहूम वालिद के नाम, माँ के नाम या भाई, जो भी जिंदा मुर्दा जो भी हो, बिल्कुल आप अपने अलावा जिनके नाम पर भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे करना? उसकी आप जब इहराम बांधेंगे उस उम्रे का, तो आप जिनके लिए उमरा करना चाह रहे उनका नाम ले लेना। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि आप उर्दू में नियुक्त कीजिए, अल्लाह मैं इहराम बांधता हूँ, आपकी वालिद का नाम जो है उनका नाम ले लीजिए और दादा का नाम लीजिए, जैद बिन बकर, जैद वल्द बिन वल्द बकर, ये नाम ले करके इनकी तरफ से तो इसे तू कबूल फरमा उनके हाथ में। ये इहराम बांधते वक्त नियत करना है और दूसरी नियत जो करनी पड़ती है तवाफ, तवाफ वक्त भी नियत जरूरी है। तो जब तवाफ करेंगे उम्रे का जो तवाफ करेंगे, तो तवाफ करते वक्त फिर आपको नियत करनी, बारेला मैं तवाफ करता हूँ किन की तरफ से, फला की तरफ से, तो इसे कबूल फरमा और इसे आसान फरमा, ये नियत करके बाकी उम्रा के जो अफाल है वो अफाल करेंगे। तो जिनकी नियत से आप तवाफ उमरा करेंगे
उस उम्रे का सवाब उसे मिलेगा। और ये भी याद रहे, ऐसा नहीं कि आपने अगर किसी के नाम से उम्रा किया तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, उम्रा आप ही का होगा, उम्रा करने वाले का ही होता है। आपने खास सवाब किसी और नाम से पहुंचाने की नियत से किया तो उन्हें भी सवाब मिलेगा और आपको निशाना तो मिलना ही है। बल्कि बंदा अगर इसाले सवाब के मामले में है कि अगर किसी को सवाब पहुंचाने के लिए जितनों की नियत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उतनों को तो अता फरमाता ही है और उस करने वाले को उन तमाम के बराबर सवाब करने वाले को अता फरमाता है। आज हम मिसबा टूर एंड ट्रैवलर्स से मक्का शरीफ तशरीफ फरमाए, यहाँ पे 3 तारीख को हम आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई का काफ़ी ताउन रहा जो हमें एक चीज़ की भी तकलीफ होने नहीं दी। यहाँ पे होटल एक से एक बढ़िया होटल दिए है हमको, हिल्टन होटल में रखे, अल्जीरिया होटल है यहाँ पे, उनका ग्रुप अक्सर 8 दिन में ग्रुप निकलता है जाहिद भाई का, लोगों से कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लोग पूछ रहे कि वे क्या तकलीफ है और वापस फीडबैक ले रहे जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोग मिसबा टूर एंड ट्रैवल्स का एक बार सफ़र करके देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आने के बाद कोई चीज़ की कमी होने नहीं दी जाहिद भाई हमको। मक्के से बिल्कुल बाईवाक डिस्टेंस है, मैं समझता हूँ 500 मीटर के अंदर ही होटल है जाहिद भाई का, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लोग बोलते हैं कि होटल करीब है, लेकिन वाकई जो जाहिद भाई बोले वही होटल दिया और वही भी हम बाईवाक समझो 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है बाईवाक जाने से धर्म को। माशाल्लाहुल करीम, अल-मिसबाह ट्रैवल है इंडिया का बहुत प्यारा और नामवर ट्रैवल, और जो कहते हैं उससे अच्छा करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीना तय्यबा में 50 ज़ियारात पर आने का सिलसिला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारात करते करते तमाम मुक़द्दस मकामात से फैज़याब होते होते अभी हम बीर गर्स पर पहुँचे हैं और अभी भी काफ़ी ज़ियारात बाकी हैं। अभी बीर गर्स पर पहुँचे हैं, 2:30 बजे से निकले हैं हम तकरीबन 2:30 बजे से निकले हैं और अभी मगरिब हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया है और अभी भी कई ज़ियारात हैं जो अभी बाकी हैं जहाँ हमें जाना है। और माशाल्लाह ज़ियारात का एक बेहतरीन सिलसिला है और हिंदुस्तान में जितने भी हमारे भाई बहनें रहते हैं तो कोशिश करें अपना उम्रे का सफ़र, रूहानी सफ़र है, ऐसे मोतमद ट्रैवल के साथ, मोतमद इंसान के साथ, मोतमद आदमी के साथ सफ़र करें जो आपका सफ़र आसान करे और जो कहे उस पर अमल करें। माशाल्लाह इनका सिस्टम और इनकी सर्विस बहुत प्यारी है, अल्लाह जल्ला वाले इनको खूब भारी बरकत अता फरमाए। के दौरान उलमाए किराम ने फरमाया कि जब आप तवाफ करना गोया के नमाज पढ़ने के बराबर है, तब नमाज में हुक्म क्या है? नमाज जब पढ़ो तो अपनी निगाहों सजदे की जगह रखो। तो तवाफ के दौरान आपको ना खाने काबा को देखना है जब तवाफ करते रहते, हाँ जब आपका तवाफ मुकम्मल होता हजरे अस्वद के पास जब आप इस्तलाम करने आते तो जब वो निगाह पड़ जाती उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर तवाफ करते वक्त खाने काबा को देखने से उलमाए कराम ने मना किया है। बल्कि आप आजिजी इनकेसारी के साथ अपनी निगाहों को नीचे रखते हुए दुआएं पढ़ते हुए आपको तवाफ करना है। और एक बात बता दूं, बात आ गई तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खवातीन हजरात तो मैं खास तौर पर देखता हूँ कि वो खाने तवाफ के दौरान खाने काबा को छीने जाते हैं, मकाम इब्राहिम को टच करने जाते हैं, ऐसा करते हैं जल्दबाजी के आज ही हमको उमरा करना है और आज ही इंडिया को चले जाना है। देखिए जब खाने काबा को देखने से मना किया गया है तो खाने काबा को छी कैसा सकते हैं आप अहराम की हालत में? जब आप उमरा करते रहते हैं तवाफ, नफली तवाफ कर रहे हैं आप, तो आप नफली तवाफ होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप फिर जाके खाने काबा को छी सकते, मकाम इब्राहिम को छी सकते, आप वहां पे दुआएं करना है क्या पकड़ के, खाने काबा के खिलाफ को पकड़ के दुआएं करना है कर सकते, मगर जब उम्रे में रहेंगे आप तो ना आपको खाने काबा को छीना है ना मकाम इब्राहिम को छीना है, बल्कि आपके चारों अरकान होने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। इसका खास रूप से आप ख्याल रखिए। आप लोगों के साजो सामान के लिए, पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए और कुछ भी आपकी जरूरत की जो दवाएं वगैरह रहती है सबके लिए है ना हैंड कैरी बैग देते हैं, जो हमेशा ये आपका एक आईडी कार्ड भी है और ये आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कभी आप हरम के पास कहीं भी आप रास्ता भूल गए, इधर उधर हो गए, तो इस पर हमारा इंडिया का भी नंबर है, सऊदी का भी नंबर है जो 24 घंटे सर्विस देता है आपको। कभी आप कॉल करेंगे
तो आपको फौरी हमारे साथी आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको बुला लेंगे। अगर आप नहीं आ सकते, वाकई बहुत दूर भटक चुके हैं, तो आप जहां हैं वहां की स्पॉट बिल्डिंग का नाम या होटल का नाम या रोड का नाम बोलेंगे तो हमारे साथी आपको पहुंच के आपको ले लेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत जरूरी है, इसको आप साथ में रख ले। अहराम में भी आप इसको जो है ना साथ में रखेंगे, ये आप अगर इस तरह डाल लेंगे तो ये आपके ऊपर ग्रिप हो जाएगा, ये इधर का हिस्सा गिरेगा ही नहीं और आप बिल्कुल अच्छे से आसानी से रहेंगे इंशाल्लाह। समझ में आ गया आपको इसका तरीका? और जो हजरात बगैर बेल्ट के अहराम उनके लिए दुश्वार है, तो आप मार्केट में अहराम का बेल्ट भी मिलता है, आपकी कमर के हिसाब से आप मार्केट से अहराम का बेल्ट लेने की कोशिश करें।